वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबा केसरी। पुराण में कहा गया है हार्द पीठम वैद्यनाथम चिताभुवो वैद्यनाथम। नहीं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पूजा करेंगे, हम बैठ के बाहर देखेंगे। नरेंद्र मोदी पूजा करें या पूरे भारतवासी पूजा करें, ये अपने में बहुत अनोखी अनूठी बात है। तो जहां भूतनाथ बैठे हैं वहां तो भूत आएंगे ही आएंगे ही। आप देखिए शिवरात में कितने भूत प्रेत औघड़ पिशाच नर किन्नर नाचते हैं। कभी भूत आपने देखा है कैसे? तो चिता जलता हो उस समय आप आए मेरे साथ बैठे, आप मेरे साथ अनुभव कुछ करें बैठ के। जो किसी में हिम्मत नहीं था मोदी में वो किया, और मोदी आप जुग जुग जियो। बाबा वैद्यनाथ मंदिर हम घूम रहे हैं, तमाम लोगों से बात किया हम। अब ये पंडित जी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूजा करा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज बाबा काली पुजारी। सूरज बाबा काली पुजारी, तो काली पुजारी तो ये तो काम हो गया ना, उसको नाम में क्यों जोड़ लिया आपने? जब माँ का पूजा होती है ना तो उनके साथ टाइटल जुड़ जाता है। जैसे कि बाबा का भक्त, तो अगर आप भक्त बनते हैं तो एक संज्ञा आपको मिल जाती है, बाबा का भक्त, कोई आदमी का भक्त नहीं। और बाबा बाबा सब कहे मैया कहे ना को, बाबा के दरबार में मैया कहे सो होए, ऐसा यहाँ का विधान है। जो ये शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ में माँ का प्रधानता ज़्यादा है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये पुराण की बात है, पुराण में कहा गया है हार्द पीठम वैद्यनाथम चिताभुवो वैद्यनाथम। तो वैद्यनाथ जो है सो हृदय पीठ पर ही विराजित है, और ये शक्ति पीठ के साथ साथ ज्योतिर्लिंग भी है। तमाम भक्त जो आते हैं अपनी मनोकामना के लिए, उन मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, साथ में माँ का कृपा भी मिल जाता है। शास्त्र में वर्णन है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। भिक्षा देने वाली पार्वती ही है, शंकर के पास ये चीज़ नहीं है। शंकर के पास केवल तपस्या है, केवल धर्म है, लेकिन माँ के पास सब सुविधा है। माई मांग मांग के लाई, आप अच्छा सा बैठ बैठ के खाई। आप भी मौन धारण किए बैठे थे, आप बोले कि जब कुछ मिलता है तब हम बोलते हैं। आपका प्रश्न मेरे को मिला तो मैं उत्तर दे रहा हूँ, आपका स्नेह मेरे को मिला तो मैं बोल रहा हूँ, इससे बड़ा और कोई बात नहीं है। तरुवर बढ़िया लगा है। सरोवर फल नहीं खाता है, देखिए सरोवर अपना जल नहीं पीता है, वृक्ष जो है अपना फल नहीं खाता है। इसी तरह संत का प्रवचन जो होता है ना, अपने लिए नहीं होता, ये दूसरों के लिए होता है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम अष्टादश पुराणे सु व्यासस्य वचनम द्वय, 18 पुराण हैं और उसका सार क्या है? तो परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, परोपकार करेंगे तो वो पुण्य होता है, पढ़ की पीड़ा देंगे तो वो पाप होता है। बस यही हमारा सनातन है, यही सनातन है। क्या क्या पूजा करवाते हैं यहाँ पे आप? हम 33 करोड़ देवता देवी का पूजा करवाते हैं। प्रेत बाधा है, मृत्यु का भय लगा हुआ है, भूत प्रेत का डर लगा हुआ है, तो ये सब शांति हो जाता है बाबा का कृपा से, मेरे द्वारा नहीं, बाबा का कृपा से। भूत प्रेत लगता है तो फिर उसके लिए क्या करते हैं? कहते हैं भूत प्रेत होते ही नहीं है। देखिए अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, दिन रात मिलकर के ही दिन रात का रचना किया गया है। संसार में अगर देवता हैं तो दैत दानव भी हैं, सबका संज्ञा दिया हुआ है, और इनका तो नाम ही है भूतनाथ, सब भूतों के ये मालिक हैं। तो जहाँ भूतनाथ बैठे हैं वहाँ तो भूत आएंगे ही आएंगे ही। आप देखिए शिवरात में कितने भूत प्रेत औघड़ पिशाच नर किन्नर नाचते हैं, ये भूतनाथ का ये संसार है। आप काशी जाइए, काशी में शिवरात्रि से लेकर होली तक महा बारात निकाला जाता है, ऐसा बारात ब्रह्मांड में कहीं नहीं दिखने को मिलेगी। वो है भोलेनाथ जो शमशान में रहते हैं। शंकराचार्य ने कहा चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति। तो चिता भस्म जो लेपन करते हैं, जिसका जटा बड़ा बड़ा है, जिसके सर में गंगा है, उन शंकर को आप प्रणाम करो, वो शंकर हैं। सत्य नो धार्यती पृथ्वी
भगवान शंकर ने अपने ललाट में भस्म को लगाया है। क्यों लगाया भस्म को? तो सत्य है भस्म, ये शरीर जो है एक दिन भस्म भूषित हो जाएगी, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, ललाट में भस्म है और मस्तक पर चंद्रमा, अजटा में गंगा का शोभा मार मिल रहा है। भूत झाड़ने वाले, मेरी सबसे रुचि भूत में है, भूत झड़ाने वाले जो आते हैं, कभी भूत आपने देखा है कैसे? देखिए, इसके लिए रात्रि में आपको आना पड़ेगा, अगर भूत को आप देखेंगे तो मसान में जाना पड़ेगा, ये यहाँ का जागृत मसान है। पूरे संसार में ढाई मसान है, एक मसान बैद्यनाथ धाम है, दूसरा मसान विश्वनाथ धाम काशी विश्वनाथ, और आधा मसान ये वृंदावन आपका। ये ढाई मसान में पूरा पृथ्वी जो है ना समिटा गया है। तो अगर आपको ये देखना है, लौकिक जानकारी आपको चाहिए, तो चिता जलता हो उस समय आप आए मेरे साथ बैठें, आप मेरे साथ अनुभव कुछ करें बैठ के, वो पूजा है, तंत्र पूजा इसे कहते हैं, तंत्र पूजा, ओघड़ पूजा रात में होता है, रात में होती है पूजा। ये पूजा किसी को कोई भय है, रोग है, व्याधि है, भूत का डर है, ये सब दूर करने के लिए किया जाता है, किसी को नुकसान करने के लिए नहीं किया जाता है। अच्छा, तंत्र पूजा में किसकी पूजा करते हैं आप लोग? तंत्र पूजा में माँ की पूजा होती है, काली माँ की, इनकी पार्वती, इनकी किसकी? काली और पार्वती, आप संशय में ना रहें, काली पार्वती दोनों एक ही हैं। अच्छा, काली माँ और पार्वती देवी हैं दोनों। अच्छा। जब उनको उग्र रूप हो गया ना, जब वो क्रोध से अत्यधिक भर गई, तब वो काली का रूप उन्होंने धर लिया। सौम्य रूप पार्वती का है, माँ पार्वती का रूप जो है वो सौम्य है, काली का रूप जो है वो उग्र रूप है, अति उग्र रूप है। तो दोनों माँ ही हैं, अब माँ अपने बच्चे से हमेशा स्नेह रखती हैं, इसमें संशय नहीं है। पुत्र का पुत्र भवेद, माता कुमाता न भवती, ये आदि शंकराचार्य ने कहा है, पुत्र का पुत्र हो जाता है लेकिन माताएं कुमाता नहीं होती हैं, यह सनातन का संस्कार है। अच्छा, जब सनातन में आप लोग मानते हैं तो शंकराचार्य की बातों को कितना, जैसे शंकराचार्य जो अलग एक उनका वो है विचार है, और बाकी हिंदू सनातन का काफ़ी उन्होंने बताया कि एक जो कि आगे खुली सोच के क्या कह सकते हैं, या आधुनिक सोच के शंकराचार्य के विचार लगते हैं। शंकराचार्य ने हमारे भारतवर्ष में अलग जगाया है, उनकी कृपा कोई बंदा भूल नहीं सकता है। शंकराचार्य ने मूर्ति पूजा का प्रारंभ कराया है, चारों धाम का सृजन उन्होंने ही किया है। शंकराचार्य का जो पद्धति है वो आज तक चल रहा है, और वो पद्धति को हम लोग फॉलो कर रहे हैं आज तक। उन्होंने जो रास्ता बताया है नित्यकर्म मार्ग का, पहला श्लोक क्या है, स्नाने दानो जपो होमो संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथि बिना कर्म न कुर्याद वै कदाचना। उन्होंने कहा जो आप ललाट में भस्म लगाओ, ललाट में चंदन लगाओ, क्यों लगाओ? तो स्नाने दाने जपो होमो संध्या पितृकर्म तथा, आप स्नान कर रहे हो, गंगा स्नान कर रहे हो, पितृकर्म कर रहे हो, लाड में आपका त्रिपुंड ना लगा है तो सब निष्फल क्रिया है। ये नित्यकर्म पूजा प्रकाश आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का लिखा हुआ पद्धति है जो उन्होंने कहा है। शंकरो वही शंकराचार्यम, शंकर कौन है? तो साक्षात शंकर, हमारा श्रद्धा वो कहता है, श्रद्धा पूर्वा सर्वकर्मा, नारद पुराण का पहला अध्याय का पहला श्लोक है, श्रद्धा पूर्वा सर्वकर्मा मनोरथ फलप्रदा श्रद्धा साध्यते सर्वम तुष्यते कमलापति। हमारा सनातन धर्म इतना महान है, इतना महान है, जो आप एक पत्थर को भी सिंदूर से लाल कर दीजिए तो वो भी भगवान का रूप बन जाता है, उसमें भी श्रद्धा लग जाती है। मैं इसे नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इनकी महानता मैं बता रहा हूँ। जो ये 33 करोड़ देवता देवी वाला संस्कार जो है ना, ये और धर्म दिखने को नहीं मिलती है, शंकराचार्य ने इसको प्रकाशित किया। ये कहा जाता है कि राम मंदिर जब बना तो उसका जब प्रवेश था वहाँ पे, तो कहते हैं कि शंकराचार्य जो हैं उनको नहीं बुलाया गया, या उनको बुलाया भी गया तो वो जाने से इनकार कर दिए। इन सब चीज़ों पे आप लोग कैसे इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, राम जी आ गए पूरे भारत वर्ष में, राम जी का आगमन बहुत अच्छा हुआ, और इस पर कोई राजनीति ना होना चाहिए। नहीं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पूजा करेंगे, हम बैठ के बाहर देखेंगे, उनकी भावनाएं आहत हुई थी। ये मैं नहीं कहता हूँ, इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ, एक लाइन में ज़रूर कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम जी का प्रादुर्भाव हुआ है भारतवर्ष में, और ये बहुत बड़ी बात है।
ये बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी पूजा करें या पूरे भारतवासी पूजा करें, ये अपने में बहुत अनोखी अनूठी बात है। इसमें राजनीति ना होना चाहिए। जैसे कहते हैं किसी बड़े, जब हिंदू धर्म के मंदिर की का जब वो हो रहा है, पूजा हो रहा है, तो किसी बड़े संत को बुलाया जाए जो सबसे बड़े हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो आगे जाते हैं, तो उस पर ये मतलब शंकराचार्य वगैरह जो हैं उन लोगों का कुछ आरोप था, कई बड़े जो संत थे वो नहीं गए थे, तो उस पर आप लोगों का कोई अपना अलग मत नहीं है? मेरा कोई अपना मत नहीं है। राम जी आ गए हैं और नरेंद्र जी जो है ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, मैं एक संदेश उनको आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ, जो कोई नहीं कर सका वो मोदी ने किया, जो किसी में हिम्मत नहीं था मोदी में वो किया, और मोदी आप जुग जुग जियो, आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश उन तक पहुँचे, और ये डिवाइड नहीं होना चाहिए, शंकराचार्य गए या वो नहीं, वो प्रधानमंत्री देश के हैं, पहला अधिकार उनका हो, उनकी सारी जो मेहनत है ना, उनकी सारी मेहनत आज रंग ला रही है, आज उनकी मेहनत सारे भारत में देखने को मिल रहा है, और यहाँ तक कि मेरी मृत्यु जिस समय होगी ना, उस समय मेरे बाल बच्चे लोग राम नाम सत्य का ही बोलबाल करेंगे, तो उन्होंने राम का नाम गुंजवान किया है, तो एक अलौकिक ऊर्जा का उन्होंने सृजन किया है, पूरे भारतवर्ष आज ऊर्जावान हो गए हैं, चाहे शंकराचार्य रहें चाहे पुरोहित फैमिली रहे, सब उससे लाभ ले रहे हैं, सब लाभ ले रहे हैं। ये राम है। मतलब अब ये कहना चाहते हैं कि ऐसा समय आ गया है कि हिंदू धर्म में कोई भी भगवान की पूजा कर सकता है, वो कर सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक मतलब कि धर्म धर्माचार्य का धर्म गुरु का ही वो हो, कि उन्हीं की वो जगह अयोध्या श्री राम जी का जन्मभूमि, वो पहले से ही प्रतिष्ठित जगह है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो सनातन पद्धति ने उनको नकारा हो। नरेंद्र मोदी ने सारा काम सनातन पद्धति को देखते हुए किया है। प्रतिष्ठित जगह है, और जहाँ स्वयं भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वहाँ किसी की बाहरी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अयोध्या तो राम जन्मभूमि ही है, चाहे नरेंद्र मोदी रहे या कांग्रेस का कोई भी लीडर रहे, वो तो जन्म शुरू से ही हम लोग देख के आ रहे हैं, आज का ये बात नहीं है, ये युग युगांतर का बात है। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो सनातन पद्धति को नकारात्मक प्रभाव मिले, उन्होंने सारा काम अच्छा किया है, सनातन सभ्यता के साथ उन्होंने किया है, तो हमारा आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। इस बात के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। चलिए, तो इन्होंने बताया, इन्होंने अपना विचार जो रखा, आगे यात्रा जारी है, जुड़े रहिए टीवी एनबीआर झारखंड के साथ। नमस्कार। वी गॉट प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।